तो हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का हमारे एक और नए वीडियो में। तो आज के इस नए वीडियो में आपको कुछ इस तरीके का लोगो डिजाइन करके दिखाने वाला हूँ। जी हाँ दोस्तों, आप भी कुछ इस तरीके का लोगो बना सकते हो, वो भी अपना फ़ोटो लगाकर, जैसे मैंने इस लोगो में लगा के बनाया हुआ है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो अपना लोगो का, यानी अपने लोगो में अपना फ़ोटो लगाकर नाम लिख कर कैसे आप बनाओगे। तो आज के इस नए वीडियो में इसी के बारे में बताने वाला हूँ। तो चलिए टाइम वेस्ट करते हुए फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और इस जो लोगो है इसका पीएल फाइल और पीएनजी दोनों मैं दे दूंगा ताकि डाउनलोड करके आपको बनाने में आसानी हो। तो चलिए टाइम वेस्ट करते हुए फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस लोगो को बनाने के लिए सबसे पहले आपको अपने पिक्सल लैब में आना है। यहाँ पर आपको न्यू टेस्ट दिखेगा, एक ऑप्शन भी आएगा, इसको डिलीट कर देना है। डिलीट करने के बाद आपको फोर्थ नंबर के ऑप्शन में क्लिक करके कलर के ऑप्शन पर जाना है। यहाँ पे आपको काफ़ी सारे कलर देखने के लिए मिल जाते हैं। तो यहाँ पे आपको कलर के ऑप्शन पे सिलेक्ट रहेगा, ग्रेडिएंट कलर को सिलेक्ट करना होगा आपको यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे आप स्क्रॉल करके आओगे तो यहाँ पे आपको ए वाला कलर सिलेक्ट कर लेना है। ऊपर राइट का ऑप्शन मिलेगा, वहाँ पर क्लिक कर देना है। अभी आपको थर्ड ऑप्शन में क्लिक करके शेप के ऑप्शन पर जाना है। साइड में डॉट पर क्लिक करके सर्कल वाले शेप को सिलेक्ट करना है। आपके सामने कुछ इस तरीके का सर्कल आ जाएगा। अभी आप इस सर्कल में कलर देना है तो कलर दे सकते हो। मैंने अपने लोगो में वाइट कलर रखा था। यहाँ से आप कोई भी कलर देना है तो वो कलर आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ पे जो ऊपर राइट का ऑप्शन मिल जाएगा वहाँ पे क्लिक कर देना है। अभी आपको यहाँ पे चले जाना है रिलेटिव पोजीशन के ऑप्शन पे, इसको जो बीच वाला ऊपर नीचे ऑप्शन इसको सेलेक्ट करके राइट का ऑप्शन में क्लिक कर देना है। अभी आपको यहाँ पे जाना है टेक्सचर के ऑप्शन पे, यहाँ पे आपको गैलरी का ऑप्शन दिखेगा, वहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आप अपने गैलरी में आ जाओगे। अभी आपको थ्री डॉट पे क्लिक करके ब्राउज के ऑप्शन में सेलेक्ट करना है। और यहाँ पे अभी आपको उस फोल्डर में चले जाना है जो आपने फ़ोटो को रखा है इस बैनर पोस्टर में लगाने के लिए। तो चलिए यहाँ मैं फ़ोटो को ले लेता हूँ। यहाँ पर देखते हैं फ़ोटो कहाँ पर है। तो यहाँ पे काफ़ी सारे मेरे पास फ़ोटो हैं, तो यहाँ पे चलिए मैं कोई एक फ़ोटो को ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे इस फोल्डर में फ़ोटो नहीं दिख रहा, चलिए मैं दूसरे फोल्डर से ले लेता हूँ। तो यहाँ पे ये वाला रहा फ़ोटो, इसको मैंने सेलेक्ट करके ओपन कर लिया। अभी आप यहाँ पे क्या करोगे दोस्तों, फ़ोटो सेलेक्ट करने के बाद वन बाई एन वन का यहाँ पे ऊपर साइज़ दिख जाएगा, उसको सेलेक्ट करना होगा। अभी आपको जितना फ़ोटो लगाना है उतना फ़ोटो यहाँ पे सेलेक्ट करके नीचे राइट का ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करोगे आपको फ़ोटो यहाँ पे इस सर्कल में अच्छे तरीके से सेट हो जाएगा। यहाँ पर अभी आप ये जो ऊपर राइट का ऑप्शन देख रहे हो वहाँ पर क्लिक कर देना है। अभी आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर आपको सेव के ऑप्शन पर आना है। यहाँ पर आपको साइड में डॉट मिलेगा, डॉट पर क्लिक करके सर्कल वाले सेव को सिलेक्ट करना है। इस सेव का साइज़ थोड़ा सा आपको बड़ा कर देना है। बड़ा करने के बाद आपको यहाँ पे सेट करना है, ओपेसिटी का ऑप्शन कम कर देना है। और यहाँ पे स्क्रॉल करके नीचे आना है, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है स्ट्रोक का, इसको आपको बढ़ा देना है। और यहाँ पे आपको इस सर्कल के बाजू में ही कुछ इस तरीके से सेट कर देना है। सेट करने के बाद ऊपर राइट का ऑप्शन में क्लिक कर देना है। और यहाँ पर आपको चले जाना है रिलेटिव पोजिशन के ऑप्शन पर। इसका यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर आपको ऊपर नीचे वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर आप थोड़ा सा और साइज़ छोटा कर लीजिए और यहाँ पर वापस से इसको सेंटर में ले लेते हैं। ऊपर मैं यहाँ पे राइट का ऑप्शन वहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। अभी आपको चले जाना है वापस से टेस्टर के ऑप्शन पे, गैलरी के ऑप्शन पे जाना है। और यहाँ पे आपको वापस से फोल्डर में चले जाना है। यहाँ पे जो भी सारा मैं पीएनजी यूज़ कर रहा हूँ दोस्तों आप लोगों को दे दूँगा ताकि आप लोगों को कहीं से डाउनलोड करने की ज़रूरत ना हो। तो यहाँ पर आपको एक बैकग्राउंड में ओपन कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से ए वाला। नीचे मैं राइट का ऑप्शन क्लिक कर देता हूँ, देखोगे कुछ इस तरीके से मेरा इसमें सर्कल में बैकग्राउंड सेट हो चुका है। अभी मैं इसको इनेबल कर देता हूँ। ऊपर मैं राइट का ऑप्शन पर यहाँ पर क्लिक कर दे रहा हूँ। और इसी सर्कल का मैं एक और कॉपी ले लेता हूँ और इस सर्कल वाले साइज़ को मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ कुछ इस तरीके से। और यहाँ पे भी मैं जाता हूँ वापस से रिलेटिव पोजीशन के ऑप्शन पे, बीच वाला ऊपर नीचे ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेता हूँ। और यहाँ पे ऊपर मैं राइट के ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूँ। और यहाँ पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको वापस से टेस्टर के ऑप्शन पर जाना है, इसको डिलीट करके वापस से गैलरी के ऑप्शन पर जाना है। यहाँ पे आपको वापस से उसी फोल्डर में जाना है, यहाँ पे इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ। अभी आपको इसको रोटेट कर देना है, ऊपर वाले भाग को नीचे करना है, नीचे वाले भाग को ऊपर करके नीचे राइट का ऑप्शन में क्लिक कर देना है। और इसको इनेबल कर देना है, ऊपर राइट का ऑप्शन में क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आपका ये भी यहाँ पर काम करके हो जाएगा। अभी आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर आपका जो ये साइज़ आपको दिख रहा होगा थोड़ा सा, मतलब ज़्यादा पहले वाले सर्कल से ज़्यादा बोल्ड दिख रहा है। तो एडिट के ऑप्शन पर जाके आप यहाँ पर इसका साइज़ आप वापस से बड़ा करोगे। बड़ा करने के बाद यहाँ पे अगर आपको कलर नहीं दिख रहा होगा तो यहाँ से आप कलर चेंज कर सकते हो। कलर यहाँ पे आपको चेंज करना है, यहाँ से कुछ इस तरीके चेंज करके इसको सेट करना है। उसके बाद यहाँ पे आप जो है कम ज़्यादा यहाँ से आप स्ट्रोक को जो है यहाँ पे कर सकते हो कुछ इस तरीके से। उसके बाद ऊपर राइट का ऑप्शन मिल जाएगा, वहाँ पर क्लिक कर देना है। और यहाँ पर आपको वापस से वही काम करना है, जाना है रिलेटिव पोजिशन के ऑप्शन पर, ऊपर वाले नीचे वाले ऑप्शन को, बीच वाले जो बीच में है ऊपर नीचे ऑप्शन, उसको सेलेक्ट करके राइट का ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अभी आपको यहाँ पे चले जाना है जो है यहाँ पे लेयर के ऑप्शन पे, जो भी आपने काम किया है उसको लॉक कर दीजिए ताकि आपका आगे का काम करने में आसानी हो। अभी आपको प्लस के ऑप्शन क्लिक करके नया टेक्स्ट ले लेना है। एडिट के ऑप्शन जाना है, यहाँ पे जो भी लिखा है उसको कट कर देना है। और यहाँ पे आपको जो भी नाम डालना है यूट्यूब चैनल का वो यहाँ पर आप लिखोगे, जैसे मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ यूट्यूब चैनल, यहाँ पर यूट्यूब चैनल लिखा मैंने। डन के ऑप्शन क्लिक करके ओके कर देता हूँ। यहाँ पर टेक्स्ट आ चुका है, इसका साइज़ मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। और यहाँ पर मैं जो है
एडिट के ऑप्शन में जाता हूँ, यहाँ पे मैं डॉट ले लेता हूँ डॉट, यहाँ पे कुछ इस तरीके से यहाँ पे भी डॉट रख देता हूँ, स्पेस देता हूँ यहाँ पे, और डन के ऑप्शन क्लिक करके ओके कर देता हूँ। यहाँ पे अभी मैं चले जाता हूँ जो है फॉन्ट के ऑप्शन पे, और यहाँ पे आपको जो भी फॉन्ट पसंद है वो यहाँ पे आप फॉन्ट सेलेक्ट करोगे। फॉन्ट को चलिए मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ यही वाला, नीचे मैं ओके कर देता हूँ। और यहाँ पे अभी आपको कलर का ऑप्शन मिल जाता है, जो भी आपको कलर पसंद है वो कलर सेलेक्ट करोगे। ऊपर राइट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, यहाँ पे आपको चले जाना है कर्व के ऑप्शन पे, और यहाँ पे आपको 0% है इसको आपको माइनस में लेके जाना है, और यहाँ पे आपको अपने सर्कल के हिसाब से ही रखना है कुछ इस तरीके से। यहाँ पे आप देख लीजिए कैसा दिखने में लग रहा है, उसके हिसाब से आपको यहाँ पे सेट कर लेना है, और ऊपर राइट का ऑप्शन क्लिक कर देना है। अगर आप यहाँ पे देखोगे थोड़ा सा छोटा लग रहा है साइज़, तो यहाँ पे आप साइज़ का ऑप्शन जाके इसका साइज़ आप बढ़ाओगे कुछ इस तरीके से, ज़्यादा हो गया यहाँ पे थोड़ा सा ही बढ़ाते हैं। और यहाँ पे आपको अभी वापस से राइट का ऑप्शन क्लिक करके चले जाना है कर्व के ऑप्शन पे, और यहाँ पे आपको जो है वापस से कर्व कर देना है थोड़ा सा यहाँ पे कुछ इस तरीके से, तो यहाँ पे आपका ये जो लोगो है सेट हो जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा राइट का ऑप्शन क्लिक करके इसका साइज़ थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, यहाँ पे कुछ थोड़ा सा छोटा करेंगे, ज़्यादा नहीं, तो यहाँ पे इतना बहुत है। यहाँ पे चलिए इसको सर्कल में सेट करते हैं, राइट के ऑप्शन में क्लिक कर देता हूँ, और इसी का कॉपी ले लेता हूँ, एडिट के ऑप्शन जाता हूँ, यहाँ पे जो भी लिखा गया इसको मैं कट कर देता हूँ, और यहाँ पे जो मैं लिख लेता हूँ मनोज दे करके मनोज, और यहाँ पे दे डन के ऑप्शन क्लिक करके ओके कर देता हूँ। यहाँ पे मैं चले जाता हूँ कलर के ऑप्शन पे, जो भी आपको कलर पसंद है यहाँ पे आप कलर सेलेक्ट करके राइट के ऑप्शन में क्लिक करोगे। अभी आपको यहाँ पे जाना है कर्व के ऑप्शन पे, यहाँ पे आपने माइनस में परसेंटेज को माइनस में किया था, यहाँ पे भी आपको प्लस में करना है कुछ इस तरीके से, यहाँ पे आपको सेट कर देना है, यहाँ पे देख सकते हो कुछ इस तरीके से सेट कर देना है। यहाँ पे दोस्तों आपको राइट के ऑप्शन में क्लिक करके यहाँ पे अगर आप देखोगे थोड़ा सा कम ज़्यादा दिख रहा होगा, रोटेट करना है तो रोटेट के ऑप्शन भी आके यहाँ से आप जो है रोटेट भी कर सकते हो थोड़ा सा सीधा दिखने के लिए, यहाँ पे कुछ इस तरीके से राइट के ऑप्शन में क्लिक कर देना है। अभी आप यहाँ पे देखोगे काफ़ी ज़्यादा जगह दिख रहा है, तो यहाँ पे आप जो है इस स्पेसिंग के ऑप्शन भी आके इधर से आप थोड़ा सा स्पेस दे सकते हो। स्पेस देने के बाद राइट के ऑप्शन में क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप जाओगे वापस से जो है कर्व के ऑप्शन पे, कर्व का ऑप्शन यहाँ पे रहा, इस पर आप जाओगे तो इसको थोड़ा सा आप राउंड कर सकते हो कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे अगर आपका चैनल का नाम बड़ा रहेगा तो यहाँ पे आपका आसानी से सेट हो जाएगा, अगर आपका छोटा रहेगा तो कुछ इस तरीके से आपको सेट करना होगा। तो इतना ही काम करना होगा दोस्तों इस तरीके से लोगो बनाने के लिए, जो भी लोगो बनाना था वो मैंने आपको लगभग सब कुछ डिटेल में आपको बता दिया हुआ है, कैसे कैसे क्या करना है सब कुछ मैंने आपको बताया है। तो जो भी अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हो, या तो हमारे व्हाट्सएप का लिंक मिल जाएगा आप डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से भी कॉन्टेक्ट कर सकते हो। तो जाइए आप भी कुछ इस तरीके का लोगो बनाइए, जब आपका लोगो बन के तैयार हो जाएगा यहाँ पे आपको सेव के ऑप्शन क्लिक करके सेव एज इमेज का ऑप्शन सेलेक्ट करना है, डिफ़ॉल्ट का ऑप्शन यहाँ पे दिखेगा साइड में डॉट पे क्लिक करके अल्ट्रा का ऑप्शन सेलेक्ट करके सेव टू गैलरी पे क्लिक कर देना है, जिससे आप क्लिक करते हो जो भी लोगो आप बनाए रहते हो वो लोगो आपका यहाँ पे गैलरी में जाके सेव हो जाता है। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने आपको फटाफट बताने के लिए थोड़ा सर्कल मैंने कैसे भी करके बना दिया हुआ है, अगर मैं आपको वहाँ पे डिटेल में अच्छे से बताने जाता थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाता, अभी मैंने इतना बता दिया एग्जांपल के लिए। तो इस तरीके से करना है, जाइए आप भी बनाइए। चलिए आज के इस नए वीडियो में बस इतना ही, वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले नए वीडियो में।